नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। बात करेंगे हम अभी देश में जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं और उसमें प्रधानमंत्री का सेना को एक खतरनाक नाटकीय मुहिम में उतारना बेहद अपमानजनक है। बालाकोट पर एयर स्ट्राइक, कश्मीर और भारत पाकिस्तान के बीच जो चल रहे मौजूदा तनाव, उस पर बात करेंगे हम कि पाकिस्तान के बालाकोट में जल्दबाजी में की गई एयर स्ट्राइक, रक्षात्मक एयर स्ट्राइक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनजाने में उस सब बातों पर पानी फेर दिया है जो पिछले भारतीय सरकारों ने बड़े ही लगभग एक तरह से चमत्कारी ढंग से बीते कई दशकों में जो हासिल किया था उन सब पर पानी फेर दिया है। 1947 से ही भारतीय सरकार कश्मीर विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के हर सुझाव पर यह कहकर हमेशा पल्ला झाड़ती रही है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान को जवाबी हमले के लिए उकसाकर, जिसमें भारत और पाकिस्तान इतिहास में दो ऐसे परमाणु शक्ति वाले राष्ट्र के रूप में दर्ज हो गए जिन्होंने एक दूसरे पर बम गिराए हैं, और मोदी ने कश्मीर समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है। उन्होंने सारी दुनिया के सामने ये दिखा दिया है कि कश्मीर दुनिया में एक ऐसा स्थान बन चुका है जिस पर कभी भी परमाणु युद्ध हो सकता है। इससे हर उस व्यक्ति, हर उस देश, हर उस संगठन की जिम्मेदारी बनती है जो चाहते हैं कि परमाणु युद्ध न हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह से वो इस हमले को, इस परिस्थिति को पनपने से रोके, भरसक प्रयत्न करे, उसकी चाहे जितनी भी क्षमता हो। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अर्धसैनिक बल के 2500 सैनिकों पर जिस तरह से काफिले पर हमला हुआ है, ये कश्मीर के इतिहास में बहुत ही खतरनाक है। इस काफिले पर आदिल अहमद डार नाम के एक 20 वर्षीय कश्मीरी युवक ने आत्मघाती हमला किया जो घोषित तौर पर पाकिस्तान के संगठन जैश ए मोहम्मद से ताल्लुकात रखता है। ये हमला जिसमें 40 से ज़्यादा जवान मारे गए हैं, कश्मीर की त्रासदी में एक तरह से बहुत ही भयावह अध्याय है। 1990 से अब तक इस संघर्ष में 70,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लापता हो चुके हैं, दसियों हजार लोग यातनाओं के शिकार बने हैं और सैकड़ों नौजवान पैलेट गन से अपाहिज और यानी कि दृष्टिहीन हो चुके हैं। पिछले 12 महीनों में मरने वालों की संख्या 2009 के मुकाबले सबसे ज्यादा रही है। अब 570 लोग मारे जा चुके हैं जिनमें 260 आतंकवादी हैं, 150 भारतीय सशस्त्र सेना के जवान हैं और 160 आम नागरिक हैं। इस संघर्ष को जिस भी नजरिए से देखा जाता है उसके हिसाब से बागी लड़ाकों को कोई आतंकी कहता है, कोई उग्रवादी कहता है, कोई स्वतंत्रता सेनानी कहता है, तो कोई मुजाहिद कहा जाता है, किसी को मुजाहिद कहा जाता है। अधिकांश कश्मीरी उन्हें मुजाहिद कहते हैं और वे जब मारे जाते हैं तो उनके विचारों से समर्थन न रखने वाले भी गाहे बगाहे उनकी जो अंतिम यात्रा होती है उसमें वो शामिल होते हैं। हकीकत यह है कि पिछले एक साल में मारे गए अधिकांश आम नागरिक वो आम नागरिक थे जो आतंकियों को बचाते हुए उनकी ढाल बने हुए थे। खून में सनी इस लंबी गाथा में पुलवामा आतंकी हमला सबसे घातक और भीषण हमला है। कश्मीर घाटी में कम से कम सैकड़ों ऐसे अहमद डार मौजूद हैं जो इस लड़ाई के माहौल में, इस युद्ध के माहौल में पैदा हुए हैं और उनके अंदर में कोई खौफ और दहशत नहीं है। वो कभी भी अपने आप को इस आज़ादी की आग में झोंकने के लिए तैयार बैठे हैं। दक्षिण कश्मीर के डोगरीपुरा में जनवरी 2014 में मारे गए उग्रवादी यूसुफ डार के अंतिम संस्कार के समय ये भीड़ आपको दिखाई दे रही है। किसी दिन कोई और बड़ा हमला हो सकता है और वो पुलवामा से ज़्यादा बड़ा घातक हमला हो सकता है। क्या भारत सरकार इस देश का और इस पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य इन युवकों के कृत्यों के हवाले कर देना चाहती है? जिस तरह खाली नाटकीय अंदाज में नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है उससे तो ऐसा ही लगता है। उन्होंने वास्तव में उन लड़ाकों के हाथों में हमारा भविष्य सौंप दिया है। पुलवामा के उस युवा हमलावर को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अधिकांश भारतीय जो ब्रिटिश के खिलाफ अपनी लड़ाई
अपनी आज़ादी पाने की लड़ाई को जिस अभिमान की दृष्टि से देखते हैं और इस लड़ाई के योद्धाओं को पूजते हैं, कश्मीर के उसी तरह के संघर्ष के लिए वैसा भाव नहीं रखते। कश्मीर में जारी सशस्त्र संघर्ष, जिसे लोग भारतीय शासन के खिलाफ एक संघर्ष मानते हैं, लगभग वो 30 बरस का हो चुका है। यानी कि ये लड़ाई जो संघर्ष कश्मीर में चल रहा है वो 30 साल हो चुके हैं उसको। और ये कोई राज नहीं है कि पाकिस्तान ने गाहे बगाहे कभी आधिकारिक रूप से और कभी गैर आधिकारिक रूप से इस संघर्ष को हथियार, लोग और साजो सामान मुहैया कराने के जरिए अपना समर्थन देता रहा है। और नहीं ये कोई ढकी छुपी बात है कि कश्मीर जैसे संघर्ष के क्षेत्र में उग्रवादी बिना स्थानीय लोगों के प्रत्यक्ष समर्थन के सक्रिय रह सकता है। अपनी सही मनोदशा में ऐसा कौन इंसान होगा जो ये सोच सके कि इस जटिल नारकीय लड़ाई को शांत या हल करने के लिए जल्दबाजी में की गई कोई स्ट्राइक, कोई नाटकीय सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, जो आखिर में उतनी सर्जिकल साबित भी नहीं होती। क्योंकि 2016 में उरी में भी भारतीय सेना के कैंप पर हमला किया गया था और उसके बाद भी इसी तरह की एक स्ट्राइक हुई थी, जिसके बाद जिसका नतीजा एक बॉलीवुड एक्शन फिल्म उरी के रूप में मिला। ये बालाकोट स्ट्राइक भी इसी तरह की स्ट्राइक से प्रेरित लगती है। और अब मीडिया में ये भी खबर आने लगी है कि बॉलीवुड में बालाकोट नाम सुरक्षित, यानी कि उसका टाइटल सुरक्षित करवाने के लिए होड़ लग चुकी है कि अगली फिल्म हम इस नाम से बनाएंगे। कमाल है जी। कुल मिलाकर इतना ही कहा जा सकता है कि ये निरर्थक मुहिम बचावी से ज्यादा चुनावी ज्यादा लग रही है। किसी देश के प्रधानमंत्री का अपनी ताकतवर वायुसेना का इस तरह से इस्तेमाल करना एक बेहद ही अपमानजनक है। और ये कैसी विडंबना है कि जब हमारे उपमहाद्वीप में गैर जिम्मेदाराना परमाणु तनातनी का खेल चल रहा है, उसी समय शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने उस तालिबान से बात करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसे वो 17 सालों से सीधी जंग के बावजूद हराने या डिगाने में नाकाम रहा है। उपमहाद्वीप में ये बढ़ता संघर्ष उतना ही घातक है जितना नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये इतना सरल है? दुनिया भर में कश्मीर सबसे अधिक संख्या में सैन्य बल की मौजूदगी वाला इलाका है। यहाँ करीब 5 लाख भारतीय सैनिक तैनात हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो रॉ, राष्ट्रीय जांच ब्यूरो, वर्दीधारी बल जिसमें भारतीय सेना, सुरक्षा बल, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और साथ में जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो तो है ही, सब अपने अपने स्तर पर अलग अलग ढंग से खुफिया जानकारी जुटा रहे हैं। लोग मुखबिरों, डबल एजेंटों, ट्रिपल एजेंटों की दहशत के साए में जी रहे हैं, जो असल में स्कूल के ज़माने के उनके दोस्त हैं से लेकर परिवार के कोई भी सदस्य हो सकता है। इन सब परिस्थितियों में पुलवामा जैसा इतना बड़ा घातक हमला होना बेहद चौंकाने वाली बात है। जैसे एक ट्विटर हैंडलर ने ट्वीट से एक स्टिक टिप्पणी की है कि बीजेपी 3 किलो बीफ को तो ढूंढ सकती है, लेकिन 350 किलो आरडीएक्स को आज तक पता नहीं लगा पाई कि वो कहां से आया। उनका इशारा शायद उत्तरी भारत में जिस तरह से गाय के नाम पर हत्याएं हो रही हैं उसकी तरफ था। इसको कौन जाने, पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने इसे इंटेलिजेंस फेलियर का नाम दिया है। यानी कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने यह सूचना दे दी थी कि कोई भी बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन सूचना देने के बाद भी इस तरह का हमला होना बेहद ही चिंताजनक है। और आखिर इस चेतावनी को नज़रअंदाज क्यों किया गया और गलती कहां हुई, ये भले ही दुखद हो लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये हमला वो सब करने का एक बेहतरीन राजनीतिक अवसर था जिसमें वो पारंगत हैं, यानी कि तमाशा। हम में से कई जिन्होंने महीनों पहले इस बात की चेतावनी पहले से ही दे दी थी कि राजनीतिक जमीन खोती भाजपा चुनाव से पहले आग बरसाएगी, डर के साथ अपनी भविष्यवाणी को सच में बदलते देख रहे हैं। और हमने देखा कि सत्तारूढ़ दल ने किस तरह से होशियारी से पुलवामा की त्रासदी को अपने कुछ राजनैतिक फायदों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पुलवामा हमले के तुरंत बाद गुस्साई भीड़ ने देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से कश्मीरी छात्रों को निकाल निकाल कर मारना शुरू कर दिया, ये बेहद ही गंभीर और मतलब एक चिंताजनक है।
जबकि मोदी सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कोई टिप्पणी ही नहीं की कि ये सब क्यों हो रहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी कश्मीरी छात्र हैं या कश्मीरी हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, तब कहीं जाकर मोदी सरकार ने इस पर छोटी मोटी टिप्पणी की। लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद कमाल है दोस्तों, इसका श्रेय लेने के लिए जल्दी ही टीवी पर आ गए, ऐसा लग रहा था मानो यही बम गिरा कर आए हों। और इसके तुरंत बाद भारत के 2-400 दिन रात चलने वाले टीवी चैनलों ने जिस तरह से इस एयर स्ट्राइक का एक लोगों के सामने प्रचारित किया है वो भी बड़ा ही मतलब हास्यास्पद है। पुराने वीडियो और फर्जी तथ्यों के साथ सभी एंकर, सभी टीवी चैनल चिल्ला रहे थे कि भारत सरकार ने ये कर दिया, भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक ने ये कर दिया। कोई कह रहा कि 250 मारे गए, कोई कह रहा 300 मारे गए, कोई कह रहा 400 मारे गए। अगली सुबह के अखबारों में जो बेहद संजीदा माने जाते हैं उनमें भी अजीब अजीब तरह की टिप्पणियां आई गई हैं। आप देख सकते हैं कैसी टिप्पणियां आई हैं। इस दौरान राइटर्स ने अपना एक पत्रकार वहां पर भेजा जहां पर यह हमला किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि सिर्फ पेड़ों और चट्टानों को ही नुकसान हुआ है और कोई भी हताहत नहीं हुआ, सिर्फ एक आम आदमी वहां पर हताहत हुआ। एसोसिएटेड प्रेस ने भी ऐसी ही खबर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि नई दिल्ली के विश्लेषकों और राजनयिकों ने बताया है कि भारतीय एयर स्ट्राइक के लक्ष्य अस्पष्ट थे क्योंकि सीमा के करीब काम करने वाले आतंकवादी समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर हमले के बदला लेने के चेतावनी के बाद वहां से निकल गए होंगे। भारत की मुख्य धारा के मीडिया ने राइटर्स की इस रिपोर्ट को कोई जगह नहीं दी और इसीलिए भारत के तमाम मतदाता जो न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं पढ़ते हैं या कोई एक ढंग का चैनल भी नहीं देखते हैं उनको पक्का यकीन हो गया कि उनके 56 इंच के प्रधानमंत्री ने, 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री ने सभी आतंकियों को ध्वस्त कर दिया है। कुछ ही समय के लिए सही, लेकिन ऐसा लगा कि मोदी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों जो भारत के बहादुर पायलटों की प्रशंसा में ट्वीट कर रहे थे उनको पूरी तरह से चित कर दिया है। इसी बीच मोदी अपने साथियों के साथ चुनावी मुहिम में निकल गए। दोस्तों हमले के बाद भी लगातार मोदी सरकार चुनाव में रैलियां करती रही है, भाजपा मतलब खुद प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव की रैलियां करते रहे हैं। एंटी नेशनल होने का आरोप झेल रहे, संदेह और असंतोष व्यक्त करने वाले हिंदुत्व ट्रोल्स के डर से आतंकित थे या फिर एक आवाज पर जमा होकर पीट पीट कर मार डालने वालों की भीड़ जो उत्तर भारत के हर गली के नुक्कड़ पर मौजूद थी उन सबसे डरे हुए थे। लेकिन ये सब एक दिन में बदल सकता है। इस झूठी जीत की चमक उस वक्त फीकी पड़ गई जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया और एक लड़ाकू विमान गिराया, एक लड़ाकू विमान मार गिराया और साथ में एक पायलट को गिरफ्तार भी कर लिया जिसका नाम विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान है। एक बार फिर भाजपा की डावाडोल चुनावी संभावनाएं स्पष्ट रूप से कमजोर नजर आने लगी थी। चुनावी राजनीति के कारोबार और अगला चुनाव कौन जीतेगा इन सब को दरकिनार करते हुए मोदी के कदम माफी के लायक नहीं है, बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला है और कश्मीर के संघर्ष को आम हिंदुस्तानियों की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। टीवी पर दिन रात चल रहा पागलपन, मरीज को चढ़ाए जा रहे उस ग्लूकोज के तरह लोगों के रगों में उतारा जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि वे अपने दुख, दर्द, बेरोजगारी, मुख्य उजड़ते हुए छोटे व्यापार, घरों से विस्थापित किए जाने की खतरे, जजों की रहस्यमय मौत और भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और भ्रष्ट दिखने वाले रक्षा सौदों की जांच की मांग को पूरी तरह से भूल जाएं। वे अपनी इस बात की चिंता न करें कि मुस्लिम, दलित या ईसाई होने के चलते उन पर हमला हो सकता है या वे मारे जा सकते हैं। इन सब को छोड़कर राष्ट्रीय गौरव के नाम पर उन्हीं लोगों को वोट दें जो इन सब घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। हम ऐसे प्रधानमंत्री का आना बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसने किसी झोंक में आकर रातों रात बिना किसी सलाह के देश की 80% मुद्रा को घोषित अवैध करार देते हुए करोड़ों आबादी वाले देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है कि देश पे तो एक संकट आया हुआ है और प्रधानमंत्री जी मोदी जी
डिस्कवरी के लिए अपने विज्ञापन शूट कर रहे हैं, कोई फिल्म शूट कर रहे हैं, क्या हम ऐसा प्रधानमंत्री बर्दाश्त कर सकते हैं? और लोग कहते हैं कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जी, अभी जो हालात हुए हैं उनके लिए मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और ये सब उन्होंने एक लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र वाले देश में ये सब सेना पर छोड़ दिया है कि वो चाहे जो कुछ करें। ऐसा कैसे छोड़ सकते हैं आप? किस लोकतांत्रिक देश में किसी चुने हुए नेता ने ऐसा किया है? मोदी सरकार को जाना होगा, उसकी जगह गठबंधन वाली सरकार आए या अस्थिर सरकार आए या झगड़ालू सरकार आए, लोकतंत्र का यही तो सार है। गठबंधन वाली सरकार इससे ज़्यादा समझदार और कम मूर्ख होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में किसी की कोई भी राय हो, पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर कोई भी भूमिका रही हो, लेकिन इस पूरे संकट के, इस पूरे घटना के दौरान उसका जो व्यवहार है वो बेहद गरिमापूर्ण और शालीन रहा है। भारत सरकार की ये मांग भी जाये थी कि विंग कमांडर वर्धमान के साथ जिनेवा कन्वेंशन के तहत व्यवहार किया जाए और उनको अंतर्राष्ट्रीय जो रेडक्रॉस सोसाइटी है उससे मिलने दिया जाए। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह ऐलान भी किया कि हम विंग कमांडर वर्धमान को छोड़ेंगे और 1 मार्च 2019 को रात को लगभग 9:30 बजे उसको छोड़ भी दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी जिनेवा कन्वेंशन के तहत यहाँ जो युद्ध बंदी हैं उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगी रेड क्रॉस सोसाइटियों से मिलवाकर। जिस युद्ध के बीच हम लोग हैं वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, वो कश्मीर में लड़ी जा रही है, लेकिन अब भारत पाक के बीच एक दूसरी जंग की शुरुआत बन गई है। कश्मीर न बयां की जा सकने वाली हिंसा और गिरती नैतिकता का एक ऐसा मंच है जो कभी भी किसी भी पल हिंसा और परमाणु युद्ध की तरफ हमें धकेल सकता है। ऐसा होने से रोकने के लिए कश्मीर संघर्ष पर हमें बैठकर बातचीत करने की ज़रूरत है। वहाँ के लोगों को वो पूरी आज़ादी देने की ज़रूरत है और उनसे ये बात करने की ज़रूरत है कि आप लोग किस समस्या के लिए, किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हो और आप लोग क्या चाहते हो, ये बात उनसे करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ भी समस्या हो जाए, कुछ भी युद्ध के बाद हमें बातचीत करके ही समस्या हल हो सकती है। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। प्यारे दुनिया वालों, कोई रास्ता तो निकालो। नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने निशाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी अपनी आवाज़ आप तक पहुँच सके। इसके साथ में लगी घंटे को दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।